गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। बहुत ठंडी हवा चल रही है, सुबह सुबह बारिश हुई है। मैं नहा ली हूँ और मैं जा रही हूँ इसकी फिजियो कराने, एक्सरसाइज कराने। इतना ज़्यादा सर्दी हो रही है, पहले ना मैंने कुर्ती पहनी, फिर मेरे को इतना ठंडा लगा क्योंकि लेगिंग में इतना बच नहीं पा रहा था, तो मैंने क्या किया, अंदर 2 स्वेटर पहन लिए, ऊपर से पापा का स्वेटर पहन लिया मैंने, और नीचे नॉर्मल लोअर पहन लिए, और देखिए शूज। क्योंकि जब आप स्कूटी चलाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती है स्कूटी में। और ये देखो मैंने रेडी कर दिया है, और ये देखिए इतना मेरे को लेट हो रहा है, तो दो ये जो सूजी के सैंडविच और पूरे होते हैं, ये वेज सैंडविच टाइप का बनता है, मैंने हाथ में लिया है, और ये स्कूटी मैंने बाहर निकाल ली है। और जब जब मैं ऐसे थोड़ा सा भी निकलती हूँ ना, तो इसको ऐसा लगता है मैं इसको छोड़ जाऊंगी, तो ये देखिए कितनी जल्दी दौड़ के आ रहा है। और देव ना इस उसमें बहुत अच्छा है, वो कभी नहीं बोलता है। फिजियो के बाद देखिए हम लोग पहुंच गए थे बेकरी शॉप, जो यहाँ पे कल्याण जी बेकरी एक चेन चलती है, वहाँ पे पहुंच गए थे। मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ पिज्ज़ा बेस और ये बर्गर के जितने बेस हैं बंस, वो ले लेती हूँ, देखते हैं घर पे ट्राई करेंगे। और इसने पकड़ लिया था क्रीम रोल, तो ये वो खा रहा था। यहाँ पे गजक, चिक्की, नमकीन, इन ये बेकरी बिस्किट, इन सबका ना बहुत अच्छा कलेक्शन है और एकदम फ्रेश रहता है। अब मैं आ पाई हूँ वापस, मीन्स आप ये समझ लीजिए कि मेरे को 1:30 बज गया है, अभी पूरा एग्जैक्टली 1:30 बजा है। बहुत दूर पड़ता है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, और इतनी ज्यादा ठंड है थी ना बाहर, मीन्स गाड़ी में, तो और मेरे को स्कूटी में ऐसी लग रही थी बिल्कुल, मेरे कान और मेरे हाथ ऐसे लग रहे थे, ये आपको ठक ठक की आवाज आ रही होगी आज, तो वो कुछ टूट रहा है और कुछ और बन रहा है ऊपर के फ्लोर में। मैंने दिखाया था, मैंने कल आप लोग से कहा था कि देव पहली बार बोला है कि मेरे को पिज्जा खाना है, तो मेरे दिमाग में ऐसा था, तो मैंने कहा चलो पहले घर वाला ट्राई कर लेते हैं, अगर उल्टा सीधा है कैसा भी बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो फिर उसे बाहर संडे वनडे को ले ही जाऊंगी। तो ये देखिए मैं लेके आई हूँ कल्याण जी बेकरी की, जो पूरी एक चेन होती है उन्हीं के यहाँ से लेके आई हूँ, मैं दिखा दूँ। मेरे को ना पता नहीं, मेरे को ऐसा ये पिज्जा के 2 बेस मिले हैं, वो कह रहे थे 2 ही आते हैं, पर मेरे को ना थोड़े पतले से लगे हैं, पर कोई नहीं ट्राई करने के लिए सही है। ये मेरे को मिले हैं, मेरे को याद नहीं, मैंने बहुत सारा सामान लिया था, मैं बिल से देख के बनाऊंगी, 35 रुपीज के शायद मिले हैं। तो मैं एक ये लेके आई हूँ और एक वो, और इधर से जो ना, और मैं लेके आई हूँ एक ये ना पिज्जा का पूरा एक मसाला था, वो भी कल्याण जी वालों का ही है, इसमें ना ऑर्गेन्जो और जो जो भी होता है ना सारा नमक, और ये देखिए इस तरीके का है, पास से मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का है पूरा। तो ये भी मेरे को मिला है 32 रुपीज का। और मैं ले आई हूँ चिली फ्लेक्स, ये तो मैं हम लोग अपने पास जा रहे हैं तो आपको पता ही है चिली फ्लेक्स होता है, तो ये लेके आ गई हूँ मैं। और ये कुछ बंस ले आई हूँ, इससे आप बर्गर भी बना सकते हो और नॉर्मल भी खा सकते हो, तो मैं इसका भी पूरा एक पैकेट लेके आई हूँ ये है। और ये वो क्रीम रोल है, ये पैक हो गया था जो वेद ने मांगा था, और फिर वो पूरा नहीं खा पाए थे। इनका जो क्रीम रोल होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगले इन सब की जगह फ्रेश सामान मिलता है ना, और ये लेके आए हैं हम, गेस करो आप, ढोकले। देखिए मेरे को ढोकले इनकी बहुत पसंद है, और एग्जैक्टली बात जैसी मैं पहुंची थी ना वैसे ही आ रहा था। ये मिर्ची के साथ, तो चलिए पहले मैं चाय पीऊंगा, मेरे को बहुत सर्दी लग रही है, भूख भी लग रही है, 1:30 बज रहा है, देखते हैं खाना खाएंगे क्या करेंगे, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और बज गए हैं 4:30, और हो गई है शाम, पता है मैं इतना थक गई थी, मेरे को इतनी ठंड लगी थी, मैंने आप लोगों को कई बार बताया ही था, तो ना मैं बिल्कुल बच्चों को लेके ना दोनों को लेट के सुला गई थी। और देखिए जस्ट मैं उठी हूँ तो मैं बाल बाल कैसे हो रहे हैं, कोई नहीं। और पहले मैं बना रही हूँ चाय पियेंगे क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी, एक तरफ दूध, उसके बाद कुछ कपड़े वपड़े रखेंगे, फिर उधर मम्मी बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो चलिए देखते हैं कि शाम को क्या बनना है, वही रोज़ की कहानी, शाम को सोचो सुबह सोचो, तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। और ये खोल रही है मेरी चाय, गरम गरम पहले चाय पियेंगे फिर कुछ, और ये दूध में उबाल आने वाली है, इसके बाद बंद करेंगे, उसके बाद सारे काम करेंगे।
और ये देखिए, चाय पीने के बाद मैं कपड़े तय कर रही थी, और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि चलो वो जो मैं पिज्जा बेस लाई थी उसके उसमें मैं पिज्जा ट्राई करती हूँ। और पता है ये ना सबसे बड़े काम मेरे को लगते हैं, एक बार सुबह पूरे कपड़े डालो लाइन से, फिर उनको दिन में बार बार पलटाओ सर्दियों में, क्योंकि वो इतनी जल्दी सूखते नहीं है, फिर शाम को चेक करो कौन से सूख गए हैं कौन से गीले हैं, फिर उनको फोल्ड करके रखो पटकर। तो चलिए, आपने देख लिया है कि मैं पिज्जा का बेस लेके आई हूँ, तो ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम, शायद बन जाए शायद ना बने। मैं सिंपल ऑनियन और कैप्सिकम ही डाल रही हूँ, जिससे कि क्या बच्चे कुछ भी बनेगा तो हम या बच्चे कुछ तो खा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पिज्जा बेस ले लिया है, आप इसमें बटर या हल्का सा इसको ऑयलिंग कर दीजिए। और यहाँ पे पहले मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो ये देखिए, मैंने लिया है कैप्सिकम, ऑनियन थोड़ा सा काट लिया है, टमाटो ये मैंने रख लिया है, मोजरेला चीज, और इधर मैंने थोड़ी सी धनिया काट ली है, ये वो स्टैंड है जिसमें हम बेक करते हैं, नॉर्मल सॉस ले लिया है, और इसमें वो जो मैं लाई थी ऑर्गेंजा और वो पूरा उन्होंने बोला था ना मसाला पूरा मिक्स होता है, ये देखिए तो इसमें वो है, और ये चिली फ्लेक्स है, तो ये मैं लास्ट में ही डालूंगी अगर बच्चे खाए नहीं खाए तो। चलिए इसमें काटते हैं। तो पहले इसमें मैंने ऐसे कर लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया है, फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटो सॉस, लेट सी क्या होता है। टमाटो सॉस और थोड़ी सी ऑयलिंग इसमें भी करनी पड़ेगी, जिससे नहीं करो तो वो आप ऐसे ही कर दोगे। फिर ये जो आप है, ये जरूरी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सा पार्ट है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये डाल लिया है, इसको आप इसमें पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। देखिए आप लोग को पता ही है यार कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इसलिए जो गलतियाँ हो रही हैं उसको प्लीज आप इग्नोर कीजिए। फिर इसमें शिमला मिर्च मैंने थोड़ी सी बारीक काटी हुई है, कैप्सिकम ये देखिए इस तरीके से रख लेंगे। फिर मैंने टमाटो भी उसी तरीके के काटे हुए हैं, सॉरी अनियन, और ये फिर मैं डाल दूंगी टमाटो। देखने में अच्छा लगता है यार इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, ये देखिए मैंने इसमें टमाटो डाल दिया है, ऊपर से डाल देती हूँ थोड़ी धनिया, और लास्ट में डाल देते हैं ये जो मेरे पास मोजरेला चीज रखी हुई है, ये अच्छे से घिस के डाल देते हैं, लेट सी क्या होता है। इतना बन जाए यार कि थोड़ा सा ये थोड़ी अच्छे से डाल देते हैं। चलिए तो ये रख देते हैं, इसको आपने रखना है उसके स्टैंड के ऊपर, और ये स्टैंड रखना है आपने ऐसे। अब मेरे को ये आइडिया नहीं है, अच्छा ये स्टैंड इसके ऊपर रखना है, हाँ ये देखिए ये मैंने रख दिया है, इसको ऐसे ऑन करेंगे, और इसमें ये जो ब्रेड स्नैक का है वो 2 टाइम्स दबाएंगे, स्टार्ट, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। बन गया, तो ये देखिए बन गया ना, ये रेडी हो गया है, पर थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा लगा दिया था, मीन्स उसमें ना 2 टाइम्स मैंने प्रेस की थी जो बटन, उसको 1 टाइम ही किया, तो लास्ट में ये देखो थोड़ा सा ब्लैकिश वो आने लगा है, जैसे चीज ज्यादा, अच्छा चीज जैसे ज्याला बेक हो गई है, बट इसकी जो अंदर से सॉफ्टनेस है मैं आपको दिखाती हूँ, वो अच्छी आई है एकदम, ये अंदर से ऐसे कुरकुरा सा हो गया है, ये देखिए आप, क्या है बेटू ये? पिज्जा। पिज्जा है, लो खाओ।
ये स्पून से नहीं खाते, ऐसे खाते यम्मी है। और ये देखिए दोनों पिज्जा खा रहे थे और इतना इंटरेस्ट लेके खा रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। इस वजह से नहीं कि वो पिज्जा खा रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि कल देव ने बोला था कि मम्मा कैसा होता है क्या होता है, मैं ये सब नहीं खिलाती हूँ। लेकिन मेरे को मतलब जब उसने बोला तो मेरे को लगा घर वाला बना लेते हैं, और वो एटलीस्ट इतना बन गया कि वो खाने लायक था और ज्यादा कुछ नहीं था। टाइमिंग ज्यादा लगा दी थी इसलिए वो थोड़ा सा किनारे से मीन्स ज्यादा खड़ा या जल गया था, नहीं तो अगली बार से वो कम लगाऊंगी। और ये दोनों पूरे टेस्ट के साथ इन्होंने पूरा फिनिश। तो देखिए सब स्नैक्स के बाद मैं बर्तन थोड़े साफ कर ले रही हूँ। हमारे आंटी आती हैं बर्तन वाली, बट वो एक ही टाइम आती है, तो शाम को ना ये गीजर का पानी चला के मैं धुल देती हूँ। और रात में 8 बजे मैं और देव फिर से गए थे मार्केट, हम लोगों को कुछ लेना था, और वहां पर दिख गए थे मेरे ये जो फेवरेट है, मीन्स मेरे मायके में लगाते हैं जो मार्केट में, ये आलू की टिक्की और पानी ये बताशे वाले भैया। तो मैं फिर वहीं रुकी गई थी। मैं अपने लिए और देव के लिए ना एक प्लेट मैंने सोचा बनवा ही लेते हैं, एक पैक कर लेंगे। क्या खा रहे देव? और ये देखिए भैया बना रहे हैं, तो भैया ने डाला है काला नमक, थोड़ी सी पिसी धनिया, लाल मिर्च टिक्के के ऊपर, लाल चटनी, मीठी चटनी मीन्स हरी चटनी जो होती है, और उसके बाद जो एक उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, फिर डाला है दही, फिर डाला है सेव, ऊपर से भैया शायद डालेंगे पापड़ी इस तरीके से, और ये ना एकदम खा के मुंह में मन करता है, और फिर डाला है प्याज। तो एकदम मस्त कुरकुरी टिक्की मेरी ये देखिए आप रेडी हो गई है, पानी आ रहा है मुंह में ना। मैं दूध के पैकेट्स लेने आई थी, तो मेरे साथ ये देव भी आ गए थे, क्योंकि इनको लग रहा था ना कि वे दिन में घूमने गए थे तो हम घूम नहीं पाए। फिर वहाँ पर ये भैया लगाते हैं आलू टिक्की और पानी टिक्की, वो तो मैंने आपको दिखाया, ये बहुत अच्छी है। और ये देखिए बहुत ही सही है बनती है, थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा है, और तब आप ये खाओ।